नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि माइंडफुलनेस को कैसे अचीव किया जाए, या फिर इसके कौन से तीन तरीके हैं जिससे माइंडफुलनेस अचीव किया जाता है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में माइंडफुलनेस के बारे में बताया था। माइंडफुलनेस के मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कौन कौन माइंडफुलनेस को जैसे अचीव करते हैं तो उनको कैसा लगता है। एक डांसर को आप पूछ के देखिए कि कभी जब वो डांस करता है या डांस के दौरान वो कितना एंजॉय कर रहा होता है, वो माइंडफुलनेस होता है। और एक योगी को भी पूछ के देखेंगे कभी जब वो अपने बॉडी को रिलैक्स करता है कोई भी आसन या योगा करने के बाद, तो वो माइंडफुलनेस की स्टेट में होता है। इसी प्रकार जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, जब वो एक्ट ऑफ क्रिएशन में होता है, यानी कोई काम कोई कला या कोई कोई आकृति बना रहा होता है, तब भी वो माइंडफुलनेस के स्टेट में होता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस की स्टेट एक बहुत ही एंजॉयमेंट की स्टेट होती है, उसमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो तीन तरीके मैं बताऊंगा, या तीन कंपोनेंट्स या थ्री वेज जिससे हम माइंडफुलनेस को अचीव कर सकते हैं या माइंडफुलनेस की स्टेट में आ सकते हैं। पहला है आवर अटेंशन इज हेल्ड ऑन पर्पज। इट मीन्स हम अपने माइंडफुलनेस में अपनी अटेंशन को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउट। तो उसके लिए हमें अपने कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस पे डिपेंड होना पड़ता है। हमारा माइंड जो होता है नॉइसी होता है, उसमें बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो ये विचार चलते ही रहेंगे जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। तो हमें माइंड की नो स्टेट में आना पड़ता है, यानी कि हमें अपने माइंड को बिल्कुल खाली करना पड़ता है। तो इसको खाली जब ही किया जा सकता है जब हम अपने अवेयरनेस और जो कॉन्शियसनेस होती है उससे हेल्प लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं और एक ही पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। सेकंड जो वे है वो है प्रेजेंट में रहकर, यानी कि हमारा माइंड जो है हमेशा या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आजकल माहौल और एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि या तो हम अपने पास्ट में ही डूब रहे होते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं या फिर हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं या फिर अपने सेंसेस का यूज करके हम रियल टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें माइंडफुलनेस अचीव होता है। थर्ड जो पॉइंट है या तरीका है वो है नॉन जजमेंटल। जब आप माइंडफुलनेस की स्टेट में होते हैं तो आप नॉन जजमेंटल होते हैं, यानी कि आप किसी भी फीलिंग को या किसी भी चीज को आप महसूस कर रहे हो या देख रहे हो या सुन रहे हो, तो उसके लिए आपको जजमेंटल नहीं होना। इट मीन्स आपको उसके कोई मेमोरी नहीं बनानी है, कोई लेबलिंग नहीं करनी है, अपने माइंड में कोई अलग से कोई विचार प्रोड्यूस नहीं करना है। बस आपको उसको एंजॉय करना होता है और उसको बस फील करना होता है और टोटली एक्सपीरियंस, ये टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड एक क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस करना आसान है